ओपी शर्मा जी द्वारा खासतौर से महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहली बार नहीं बहुत बार हुआ। अभी तक तो टीवी की डिबेट्स में जिस तरह की भाषा मैं नशेड़ी हूं और जिस तरह का भी मैं गुंडी हूं करते रहे, लेकिन हमने उसको हमेशा नजरअंदाज किया। लेकिन सदन में आज पहली बार नहीं बहुत बार हुआ, जिसको आज सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष जी ने खुद उसको संज्ञान में लिया कि किस तरह की अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल ओपी शर्मा जी द्वारा किया गया है। मैंने किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जिस प्रकार जब ये घटना अलका लांबा जी की हमारे परिसर में हुई, उसके बाद से अलका लांबा हर बार सदन के अंदर हर रोज जब भी वो मिलती है वो तरह तरह के जो है नेगेटिव कमेंट्स करती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये महिला हैं, इनको हम इग्नोर अमूमन करते रहते हैं, तो इसमें ज्यादा ध्यान कभी दिया नहीं जाता है। लेकिन आज फिर उन्होंने बार बार जब ड्रग की और जो दूसरी जो इन्होंने जो बात की ऑब्जेक्शनेबल बात की, तो मैंने केवल उनकी वही बात दोहराई जो कि ऑन रिकॉर्ड आपके इस टीवी के अंदर वो पहले कह चुकी हैं कि वो रात को वहां घूमकर नशा मुक्ति करती। तो मैंने केवल इतना ही कहा कि आप रात को वहां घूमती हैं और आप जो ये कह रही हैं नशे से वहां मौत होती है, बगैर नशे से जो मौत होती है, केवल रैन बसेरों का इसी चीजों का कार्यक्रम चल रहा था। तो मेरा उनसे केवल इतना कहना था, जब आप रात को वहां घूमती हैं तो आपकी जानकारी ज्यादा होगी। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है उसको तो मैं जानता नहीं। अब ये स्पीकर साहब जो कि आम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह एक्ट कर रहे हैं, अब उन्होंने जो फांसी पे लटकाना है या जो भी कुछ करेंगे, अब सारे कार्यकर्ता अपने संख्या बल के हिसाब से सबने आके मुझे घेरा और उस महिला अलका लांबा जी ने दो बार चाटा मारने की कोशिश की। एक बार तो मैंने उनकी उंगली हाथ पकड़ा, दूसरी बार लोगों ने इधर उधर किया। एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बीच में एक सदस्य के द्वारा जो भी बात कही गई, उसके बाद जब विपक्ष ने उस बात पर को एडमिट किया तो उप मुख्यमंत्री के इशारे पर, आप का कैमरा भी वहां लगा होगा, आप देखिए उप मुख्यमंत्री के इशारे पर सदस्य आए 20 और आकर के विपक्ष के बेंचेस पर हम तीनों सदस्यों पर हमला किया और एक माननीय सदस्य अलका लांबा जी ने हाथ उठाया ओम प्रकाश शर्मा जी पे।